फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म पर जारी गतिरोध को लेकर आज करण जौहर और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, जिसमें सीएम ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई। मुलाकात के बाद फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने कहा, हमने सीएम फडणवीस को आश्वस्त किया है कि भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को भारतीय फिल्म में नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि करण जौहर ने राज ठाकरे के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके तहत फिल्म शुरू होने से पहले शहीदों के सम्मान में एक विशेष स्लाइड चलाई जाएगी, जो उरी हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। साथ ही करण ने फिल्म की आमदनी से एक बड़ा हिस्सा आर्मी वेलफेयर फंड को देने का फैसला किया है। इस मुलाकात के बाद अब राज ठाकरे की तरफ से भी एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म तय वक्त पर रिलीज होगी। फिल्म को लेकर जारी गतिरोध अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने कहा था कि वह करण जौहर की फिल्म का विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान है। उन्होंने फिल्म दिखाए जाने पर थिएटरों में तोड़फोड़ की धमकी भी दी थी, जिसके बाद फिल्म से जुड़े विवाद को लेकर मुकेश भट्ट ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। आखिरकार अब फिल्म को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो चुका है। फिल्म 28 अक्टूबर को दिवाली से पहले रिलीज होगी। अब देखना ये होगा कि फिल्म क्या कुछ कमाल दिखाती है। देखते रहिए टीवी लाइव।